बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ योग की जिसको कहते हैं गजकेसरी योग। अगर ये कुंडली में है तो व्यक्ति को कैसे सफलता मिलती है और व्यक्ति कैसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानिए कि अगर चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हों तो कुंडली में एक महान योग बनता है जिसको गजकेसरी योग कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये राजाओं वाला योग है। कुंडली में अगर मजबूत गजकेसरी योग बना हुआ हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में शासन करता है, प्रशासन करता है, धन की समस्या उसे नहीं होती और इस योग की वजह से व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। लेकिन अगर गजकेसरी योग में बृहस्पति दूषित हो, कमजोर हो, या चंद्रमा दूषित हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो गजकेसरी योग पूरी तरह से नहीं बन पाता। इसी तरह से अगर बृहस्पति अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया, तो भी गजकेसरी योग नहीं बनेगा। और अगर गजकेसरी योग कुंडली के अष्टम भाव में है, दूसरे भाव में है, तो उतना प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन अगर केंद्र में है या त्रिकोण में गजकेसरी योग बना हुआ है तो ये विशेष फायदेमंद होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में नई ऊंचाइयों तक जाते हैं। कुंडली में अगर गजकेसरी योग हो और गजकेसरी योग में चंद्रमा उच्च का हो, वृषभ में बैठा हो और गजकेसरी योग बन जाए, या बृहस्पति उच्च का हो, कर्क में बैठा हो और गजकेसरी योग बन जाए, तो ऐसे लोग जीवन में इतिहास बना देते हैं। ऐसे लोग जीवन में महान की पदवी पाते हैं और ऐसे लोग जीवन में महान हो जाते हैं। लेकिन गजकेसरी योग सही बना रहने पर भी कभी कभी व्यक्ति को फायदा नहीं होता। इसलिए अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो क्या करें कि इस योग का पूरा फायदा मिले। सबसे पहली बात, नियमित रूप से भगवान की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 5-5 मिनट ही निकालें, 2-2 मिनट ही निकालें, लेकिन भगवान की आराधना उपासना जरूर करें। नंबर दूसरी बात, पीला पुखराज या मोती, जो भी आपको सूट कर जाए, किसी विद्वान से परामर्श लेकर के पहनना चाहिए गजकेसरी योग होने पर। इससे भी आपको इसका बेहतरीन फायदा मिल पाएगा, बेहतरीन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तीसरी बात, खान पान को शुद्ध रखिए। मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति दूषित होगा और गजकेसरी योग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। और अंतिम बात यह है कि गजकेसरी योग अगर कुंडली में है तो इस योग को अच्छा करने के लिए, इससे पूरा फायदा लेने के लिए भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। ऐसा करने से लाभ अवश्य होगा। तो एस्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।